हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेथोस्कोप के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि स्टेथोस्कोप को डिस्कवर किया था रेने लेनेक ने फ्रांस के अंदर 1816 ईस्वी में। और आज के दौर में जो हम स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा 1800 से लेकर 2000 की सदी आने तक इसको बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है। और आज के टाइम में स्टेथोस्कोप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीथ साउंड और हार्ट साउंड सुनने का ये एक माध्यम है जिससे हम ब्रीथ साउंड और हार्ट साउंड्स को असेस कर पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा स्टेथोस्कोप आपको परचेज करना सही रहेगा, कौन सा स्टेथोस्कोप आपके बजट में रहता है और जिसके अंदर आपको एकॉस्टिक साउंड देखने को मिलता है। साथ ही कोई एक हमारा लकी चैनल मेंबर ये स्टेथोस्कोप जीत सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब स्टेथोस्कोप नहीं था तो डॉक्टर्स पेपर रोल ट्यूब से हमारे बॉडी के फ्लूड्स को और साउंड्स को असेस करते थे। बेसिकली एक पेपर रोल ट्यूब होती थी जिसके ज़रिए से डॉक्टर्स ब्रेथ साउंड और लंग साउंड सुनते थे। पर बाद में जब स्टेथोस्कोप का रेने लेनेक ने डिस्कवर किया, उसके बाद से स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल आज तक किया जा रहा है हमारे ब्रेथ साउंड और हार्ट साउंड को सुनने के लिए। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि सर, हमें कौन सा स्टेथोस्कोप बाय करना चाहिए, कौन सा स्टेथोस्कोप हमारे बजट में रहेगा जिसकी हायर क्वालिटी हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप स्टेथोस्कोप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आपको मेडिटिव ब्रांड का स्टेथोस्कोप परचेज़ करना चाहिए। दोस्तों, इसके कई सारे रीजन्स हैं। सबसे पहला रीजन्स के मेडिटिव के जो स्टेथोस्कोप्स होते हैं वो बजट के अंदर होते हैं। इजीली आप स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में इसको इजीली परचेज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर कंपनी आपको 5 ईयर की वारंटी देती है, 5 साल की वारंटी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। मेड इन इंडिया है, इंडिया में बनाया जाता है। उसके बाद जो इसके अंदर जो क्वालिटी यूज़ की गई है, जो जेस्ट पीस है वो स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ है और जो बाइन्यूरल्स है वो भी क्रोम प्लेटेड है, यानी कि आपको डायफ्राम की रिंग और जो बाइन्यूरल्स हैं उसमें क्रोम प्लेटिंग आपको देखने को मिलेगी, जिससे इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और जो यू शेप्ड पीवीसी है, जो ट्यूबिंग होती है वो पीवीसी की है यू शेप्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करके बताएंगे कि कैसा ये मेडिटिव का स्टेथोस्कोप आपको देखने को मिलता है और कोई एक हमारा लकी चैनल मेंबर ये स्टेथोस्कोप को जीत सकता है। तो आप इस स्टेथोस्कोप के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी वैल्यूबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग कि जब आप इसको परचेस करेंगे, हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे रखा है परचेस करने का, तो जब आप परचेस करते हैं तो किस तरीके से आपको स्टेथोस्कोप देखने को मिलता है और क्या क्या इसकी खासियत है। दोस्तों, जब आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जब आप मेडिटिव का स्टेथोस्कोप परचेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हाईलाइट की गई है कि प्लेटिनम सीरीज़ का ये स्टेथोस्कोप है, 5 ईयर्स की वारंटी कंपनी इसके अंदर आपको क्लेम करती है। सॉलिड स्टेनलेस स्टील से इसका चेस्ट पीस बनाया गया है। हाई एकॉस्टिक सेंसिटिविटी है, यानी कि जो साउंड है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा एकॉस्टिक आपको सुनाई देता है। पीवीसी यू शेप ट्यूब है, सॉफ्ट सीलिंग ईयर टिप्स है और क्रोम प्लेटेड हेडसेट इसके अंदर दिए गए हैं और साथ ही क्रोम प्लेटेड मेटल रिंग इसके अंदर है, मेड इन इंडिया है। दोस्तों, ISO सर्टिफाइड है और स्टेनलेस स्टील से पूरा स्टेथोस्कोप बनाया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिलती है, साथ में ये कितने कलर्स में अवेलेबल है ये कंपनी ने हमें बताया हुआ है। तो दोस्तों, जल्दी से अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो जब आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो इस तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिलता है और जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपको ये स्टेथोस्कोप देखने को मिलता है। तो इसके अंदर बॉक्स में आपको स्टेथोस्कोप्स और एक्स्ट्रा ईयर प्लग्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कई सारे जो हम स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करते हैं उसमें ईयर टिप्स घूम जाते हैं या फिर आपके कान के अंदर कंफर्टेबली फिट नहीं होते हैं, तो एक पेयर आपके साथ आता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है ये मेडिटिव ब्रांड का स्टेथोस्कोप। यहाँ पर
आप अपना नाम लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में वार्ड में बहुत सारे स्टेथोस्कोप होते हैं, तो आपका स्टेथोस्कोप किसी दूसरे स्टेथोस्कोप से मिल ना जाए, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। दोस्तों इसकी जो ट्यूबिंग है वो पीवीसी से बनाई गई है, बहुत ही अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ये है। और यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम प्लेटिंग नज़र आएगी, ये देखिए क्रोम प्लेटिंग इसके ऊपर की गई है। और साथ में जो ये ईयर ट्रिप्स हैं सॉफ्ट हैं बहुत ज़्यादा, और जिससे आपके पूरे कानों को ये कवर करता है ताकि एकॉस्टिक साउंड आप इसके अंदर आराम से सुन सकें। मैं इसके चेस्ट पीस की बात करूँ, इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ऑन एंड ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए मेडिटिव की ब्रांडिंग है और प्लेटिनम मेड ये लिखा हुआ है जो चेस्ट पीस है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसकी जो ये रिंग है क्रोम प्लेटेड मेटल रिंग आपको देखने को मिलेगी, जो डायफ्राम के ऊपर ये देखिए आप पूरा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए मेडिटिव प्लेटिनम स्टेनलेस स्टील का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है और मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये स्टेथोस्कोप है जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी बजट में है ये। तो दोस्तों अगर आप स्टेथोस्कोप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आपको मेडिटिव ब्रांड की तरफ जाना चाहिए, इसका लिंक मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और कोई एक हमारा लकी चैनल मेंबर इस स्टेथोस्कोप को जीत सकता है। आपको अपनी वैल्यूबल फीडबैक इस स्टेथोस्कोप के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में देनी है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।